ए गाइस, 4 दिन से लगातार आवाज़ सुन रहे हो। लो पानी पी लो, थक गए हो के कंसिस्टेंसी किंग बोलते बोलते। वेल 1056 ओपिनियन वीडियो, अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया है तो कर लो, फिर वीडियो देखो तभी रिलेट कर पाओगे। इंट्रो देखो, बतियाते हैं फिर, लेट्स बिगिन। मुझे पता है कि सबके सब इंजॉय किए हैं भाई बग्गी के हरकतें देखकर, मुझे भी बड़ा मज़ा आया, लेकिन उसका बात लास्ट में करेंगे। पहले थोड़ा लोस्ट करते हैं हमारे प्रिय चौदू नुस्खे का। इसका हरकत मुझे इतना फनी लगा ना भाई। लमाओ शक्तिमान बन के बोरो व्रत मारा था भाई, कीने में उनकी बीवी का आग जला दिया। बिग एल नेको इनू का डिसीजन अच्छा लगा मुझे, कैरेट को संभालने दिए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट वो डिसाइड कर लिए हैं कि वो वानों में रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। उनका इमोशनल कनेक्शन जो है वानों के साथ, अब मस्त दोनों मोमो का राइड करेंगे मिलकर, एकदम फरी बाजी। कैरेट मैं एट प्रेजेंट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर ओवरऑल बहुत फनी लगा मुझे। लमाओ रियोकोग्यू के वानो आने का रीज़न पता चला हम इस चैप्टर में, वो वानो तक मेहनत करके आया ताकि वो शिनोबू को फिर से सुंदर बना सके भाई। बिग बिग टास्क, मज़ा आया। रियोकोग्यू नाइस, हैट्स ऑफ टू हिम। इसके अलावा जो सुकिया की मोमो हियोरी वाला सीन हुआ था, अगेन मैं ठीक है, खुश रहने दो इनको, लाइक मेरे को इनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मोमो हियोरी वैसे रिलेट कर पाएंगे सुकिया की से, यूजलेस जो है दोनों। किडिंग किडिंग किडिंग, ठीक है मजाक कर रहा। किनेमोन की बीवी का आग जलाने में मोमो काम तो आया एटलीस्ट। इसके अलावा किनेमोन का कॉमेडी करने की कोशिश वाले मोमेंट्स दिखे हैं। मैं अभी बात करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ का, ठीक है। प्लूटोन, लूफी ने बोला कि उसको प्लूटोन नहीं चाहिए, बट ये तो ओडन के प्रोफेसी के अगेंस्ट है ना। ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, इसमें मैंने ओल्ड वानों के बारे में हर चीज़ बता दिया मस्त वे में। इस वीडियो में मैंने जो थ्योरी बताया था वो ओडन के इसी प्रोफेसी, एक मिनट, प्रोफेसी नहीं प्रिडिक्शन के अराउंड था, बट क्या अब उस थ्योरी के होने के चांसेस हैं? हाँ है। ओडन ने जो बोला था कि 20 साल बाद जॉयबे आएगा, जॉयबे आया। ओडन ने बोला था कि वानों को ओपन करना ज़रूरी है जॉयबे के लिए, एंड वानो ओपन होगा। क्या लूफी ओपन करेगा पता नहीं, बट उसके लिए वानो को खुद को ओपन करना पड़ेगा ही। वैसे उस वीडियो में मैंने जुनेशा का नाम नहीं लिया था क्योंकि मैं उसे स्क्रिप्ट में लिखना भूल गया था, बट या जुनेशा एक की रोल प्ले कर सकती है वानो को ओपन करने में। पॉइंट इज कि लूफी को एक पॉइंट पे जाके प्लूटोन चाहिए ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि लूफी बाद में फिर से वानो में आए प्लूटोन लेने और वानो को ओपन करने। तो जस्ट बिकॉज अभी लूफी वानो से जा रहा है डजेंट मीन वानो ओपन नहीं होगा। वेल भाई सारे स्ट्रॉ हैट्स मस्त कैजुअली प्लूटोन के बारे में बात कर रहे हैं। लमाओ और उसको सून लिए हमारे कीचड़ चचा, एंड सून के किसी अननोन व्यक्ति को ये इन्फो बताने के सोचते हुए दिखे हैं कारिबो कीचड़ चचा। एम आई दी ओनली वन जिसके दिमाग में ब्लैक बियर्ड फ्लैश हुआ इस पैनल को रीड करते टाइम? मेरे दिमाग में तो वही आया, मैं तो ये सोच लिया था कि हो सकता है कि कारिबो ही 10th कमांडर है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का। आई एम क्यूरियस टू नो कि यहाँ पर किसके बारे में कीचड़ कारिबो सोच रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि यामाटो फुल जोश में है लूफी लोगों के साथ जर्नी करने के लिए। यामाटो थोड़ा सा बस दूर है 11th स्ट्रॉ हैट बनने के लिए। वैसे 11th स्ट्रॉ हैट के सीट की बुकिंग तो तामा मैम ने कर लिया है। लमाओ लूफी लॉ किड तीनों तीन अलग अलग आइलैंड चूज़ कर लिए हैं। अब किड कौन से बर्न्स कार वाले बंदे की बात कर रहा है वंडर, मुझे तो बस साबो ही पता है। जो भी है, किड लॉ ने भी थर्ड रोड पुनिग्लिफ को शेयर कर लिया है, एंड किलर ने जो बोला कि उन लोगों ने स्वीट कमांडर के थ्रू बिग मोम वाला पुनिग्लिफ का भी कॉपी चुराया था, मतलब कि लूफी के पास 3 रोड पुनिग्लिफ्स है, किड के पास 2 है और लॉ के पास 1 है। लूफी किड के बीच नोकझोंक फनी लगा मुझे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों जो अलग अलग आइलैंड में जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि चैंक्स इन तीनों में से किसी एक आइलैंड पर है अभी? मे बी लूफी तो नहीं, बट लॉ और किड ज़रूर कन्फ्रंट कर सकते हैं शैंक्स को। किड करेगा तो मज़ा आएगा, इस बार एक पूरा पैर जाएगा। भाई लंगड़ा वंगड़ा सब कर दो भाई उसको, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मेन स्टफ के बारे में बतियाते हैं अब। बग्गी बग्गी बग्गी, देखो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एनी वन थिंक्स अबाउट बग्गी डी क्लाउन वाला लेम जोक, बग्गी एज अ कैरेक्टर इज़ वेरी फनी भाई। उनो रिवर्स कार्ड खेल रहा लौंडा, मरीन्स पे बाउंटी, इश भाई। मैंने ये वाले वीडियो में जो प्रिडिक्शन किया था वो एकदम सही हुआ। बग्गी योंको बना क्योंकि सबको लगा कि उसके अंडर मीहॉक और क्रोकोडाइल है। लमाओ आई एम हैप्पी भाई,
एक थ्योरी तो नहीं बट प्रिडिक्शन सही हुआ। मरीन्स पे बाउंटी वाला हरकत फ़नी भी है और साथ ही में मरीन्स की फाड़ने वाली चीज़ भी है। आफ्टरऑल ये बाउंटीज़ है कि योंको ने खुद लगाया है। मीहॉक और क्रोकोडाइल क्या कर रहे बगी के साथ, आई वॉन्ट टू नो। इस वीडियो के कमेंट्स में ना सब लिख रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग बंदा मीहॉक हो सकता है, बट मैं बोल रहा था कि मीहॉक ग्रैंड लाइन में था और बगी न्यू वर्ल्ड में, तो वो न्यू वर्ल्ड में क्यों घुसेगा। वेल, मीहॉक न्यू वर्ल्ड में है, बट आई वॉन्ट टू नो कि वो क्यों न्यू वर्ल्ड में आया है और क्रोकोडाइल क्या कर रहा है इनके साथ। लमाओ, अनएक्सपेक्टेड शिट था ये क्रोकोडाइल। आई लाइक कि हाउ लूफी, जोरो लोग भी भाई बग्गी के योंको बनने वाले हरकत को सस बोल रहे हैं। एंड इधर भाई वन पीस की ऑडियंस में ही बहुत लोग ये सोचते हैं कि बग्गी अपनी पावर्स हाइड कर रहा है अभी तक। लमाओ, बिग एल, व्हाट आर यू, अ क्लाउन जस्ट लाइक योर बग्गी डी क्लाउन। किड का जो जला है भाई साहब बग्गी के ये जो भी क्रॉस गिल्ड को देख के मज़ा आया। ओवरऑल ये चैप्टर बहुत फनी था। किनेमोन के फोर्स्ड कॉमेडी को अगर इग्नोर करे तो पूरा चैप्टर मस्त था। ह्यूमर वाइज मज़ा आया, 20 out of 10 चैप्टर फॉर मी। बग्गी मैन हद अनएक्सपेक्टेड भी चाहिए, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। बताया मैं अभी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इसका बाउंटी रॉजर से भी ज़्यादा हो जाएगा तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है पता है कि इसका बाउंटी लूफी से तो ज़्यादा ही है। वेल, तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर, कमेंट सेक्शन खुला है बताने के लिए। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, मज़ा आएगा 2 हफ्ते बाद। एंड लेट्स सी मैं अपने इस स्ट्रीक को कितना लंबा खींच सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि कल भी मैं एक वीडियो डाल दूँ। इश भाई, कंसिस्टेंसी किंग और व्हाट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।